नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ नया एक वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप YouTube कंटेंट क्रिएटर हो तो एक सवाल आपके मन में हज़ार बार आया होगा, वो है 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलता है। तो ये ऐसा एक सवाल है जो हर किसी का, हर एक जो यूट्यूबर है सबका मन में यही चलता रहता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तो आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा आपके आपका जो चैनल है या दूसरा किसी का भी कोई भी चैनल है 1000 व्यू पे कितना पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप टेक एंड यूट्यूब रिलेटेड वीडियो देखते हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं रेगुलरली यूट्यूब एंड टेक रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी पूरा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलता है इसको अगर आप जानना चाहते हो तो पहले एक टर्म आपको जानना पड़ेगा, तो है RPM। तो देखिए, यहाँ पे जो RPM है, RPM का पूरा नाम रेवेन्यू पर मिल, रेवेन्यू पर मिल। मेरा कहने का मतलब है 1000 आपका चैनल पे जित हो सकता है 10 20 50 या 100 या 1000 कुछ भी नंबर्स का वीडियो है, टोटल 1000 बार आपका वीडियो आपका चैनल पे या कोई भी वीडियो है उसको अगर व्यू होगा 1000 तो उस पे आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, ये हो गया आपका RPM। तो एक छोटा सा इक्वेशन है, 1000 व्यू पे आपको जितना पैसा मिलता है आपका कोई भी वीडियो पे, तो वो हो गया आपका RPM। तो देखिए, ये जो RPM है कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ टॉपिक के ऊपर, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें फर्स्ट जो आता है आपका फर्स्ट आता है एड्स, मतलब आपका वीडियोस पे जितना एड्स ज़्यादा आएगा उसमें वहाँ से जो रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा जनरेट होगा, तो RPM ज़्यादा होगा। सेकंड हो गया आपका वीडियोस का जो मेंबरशिप होता है, दूसरा बहुत सारा चीज़ होता है जैसे चैनल मेंबरशिप, यूट्यूब प्रीमियम, रेवेन्यू, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, सारा चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी आप यहाँ पे एक सवाल कर सकते हो, आपका हो सकता है आपका एक चैनल है उसमें 10 नॉन मोनिटाइज वीडियोज़ है और 10 मोनिटाइज वीडियो है, तो कौन सा वीडियोज़ को, किस वीडियो को काउंट किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, टोटल जो व्यू होगा ना उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे टोटल व्यू काउंट किया जाएगा। हो सकता है वो मोनेटाइज चैनल से आए या नॉन मोनेटाइज चैनल से आए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, टोटल व्यूज यहाँ पे काउंट होगा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मेरा चैनल का एक वीडियोज का RPM है, तो जैसा रिजल्ट है आप देख पा रहे हो तो ऐसा आपका चैनल पे भी दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ ट्रिक्स है जिसको आप अप्लाई करोगे तो कुछ हद तक आपका जो RPM है आप गेन कर सकते हो, मतलब इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आपको क्या होता है, आपका जो वीडियो है वो किस हिसाब से ऊपर या नीचे जाता है रैंक में, वो होगी आपका कीवर्ड्स। तो आप ऐसा कीवर्ड जो आपको वो यूट्यूब में डालते हो, आप वीडियोस टैग में, वीडियो का टैग में डालते हो, वहाँ पे ऐसा कीवर्ड डालिए जो ट्रेंडिंग है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुकिंग चैनल बना रहे हो और सचिन तेंदुलकर के ऊपर कीवर्ड डाल रहे हो, ऐसा नहीं है, उसी टॉपिक के ऊपर। या नहीं तो आप ऐसा एक वीडियो बनाओ जिस टॉपिक के ऊपर अभी बहुत मार्केट में डिमांड है, तो व्यू ज़्यादा आएगा तो RPM ऑटोमेटिकली वहाँ से गेन होगा। और सेकेंड है, आप गूगल एडवर्ड्स में जाके आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड का कितना प्राइस मार्केट में अभी चल रहा है, और वहाँ पे कर्व भी दिखेगा कि उसका प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। वहाँ से जो कॉस्टली जो कीवर्ड्स है वहाँ उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसी टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियोज़ बना सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका जो RPM है बहुत ही आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब जो ट्रिक्स है उसी के ऊपर। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।